दोस्तों अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट शॉट लेने। कहाँ जा रहे हैं? हाथी महल। हाथी महल राइट रेड डोर ओपन प्लीज। रेड डोर ओपन है भाई, दरवाजा खुला है भैया। अभी खड़ा है ये डांसर अपने पूरे से टिल्ट फ्रेम में थोड़े खड़े रहेंगे। ये भी अपने इसको कौन सा भी करवा दी, जो ड्रोन इनके स्टेप का वाइड एंगल पूरा शॉट आएगा तो बहुत तगड़ा आएगा। एक ये हो जाएगा और अपने टॉप डाल देंगे। छह बॉस मेरे से बड़ा है, ये सात पूरा है बॉस। अरे सात नहीं ज्यादा, सात। पहले डिसाइड कर लो कि क्या कितना है। तुम यार कोई काम सीधा क्यों नहीं कर सकते हो आप? आदमी उल्टा है, कैसा लग रहा है? साइड एंगल थोड़ा क्लोज लेके आओ। ये होता है मेकअप, ये मेकअप और ये विदाउट मेकअप। अनाज जिसने गाया है वो हमारे साथ नहीं है, वो अभी का फ्रेंड है। बता जरा उनके बारे में, जो सिंगर है उनका नाम बताओ। अतुल भाई हमारे सिंगर जो कि शबलगढ़ से हैं, हाँ ग्वालियर शबलगढ़ करके जगह है, वहाँ से है। काफ़ी अच्छा बंदा है, उससे मैं फर्स्ट टाइम मिला और मैंने बोला कि अभी भाई एक सॉन्ग करना है। बस अभी एक घंटे बाद आप भी हमारे साथ। पायल को मत देखो यार, तुम वो फुल एनर्जी के साथ ए आता था। खाली उस टाइम ही लेता जो अपन कैमरे में शूट किया। आवाज सुनो किसका नहीं हुआ? अब 10 से 15 अगस्त में अरे वो खड़ा करो ना जब पूरा मिल गया। ये यहां तक करो अभी एक मिनट में सुनो फायर वो लगते हैं जो अपन देख लेंगे। हिंदू सता हमारा हमारा सारे मेरी नजर पड़ गई थी एक तो डीलॉग में समझ नहीं पड़ती है भूलता रहे थे। चलो रेडी म्यूजिक बेटो मत यार खड़े हो जाओ यार। ऑडियो तो पैसे ले देना, फिर में काम कर रहा है क्या? सुबह पांच पांच प्लेट कोई गिलास एक्टर होगा तेरे घर का है ना, इधर बाजू काम कर रहे हैं। चलो मोदियां कल तेन कह नहीं सकता अखियां तेरी ते मैं डर लगदे पिछे पिछे रोज तेरे हो नहीं सकता बिन तेरे दाऊद दा कर लगदे तेरिया में देखा तेरी छछ फुट ते थोड़ी थोड़ी आप सामे बहुत क्लोज ही है। बहुत क्लोज अभी निपट गया था ड्रोन पता नहीं क्यों। चल ऐसे मत देख उसको पोजीशन, ऐसे मत देखो नजर लग जाएगी। चल रेडी नाउ म्यूजिक
म्यूजिक चलो भाई पोजीशन नीरे ये पैक ही है बहुत थोड़ा 10 सेकंड है चलो एक्शन तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं लोकेशन देखने के लिए जिसमें मेरा सीन रहेगा कहां ले जा रहे हो भैया इको पॉइंट इको पॉइंट अब्बू खाकी रख रही है और कैसा मजा आया कि नहीं शूट करने में शानदार शानदार लगा तो आपको मजा आया कि नहीं ड्रोन उड़ाने में बहुत मजा आएगा और देखने वालों को उससे ज्यादा मजा आने वाला है भाई और प्रिया दीदी कब आएगा मेकअप करने में आज का जो वेदर है आप बाहर देखोगे मजा आ रहा है अरे वेदर की तो आज बात ही कुछ आपको नजारे दिखाएंगे हम ड्रोन के लाइट्स में मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है आज वेदर को लेकर वेदर को लेकर कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट इनके साथ चल रहा हूँ अरे खुश मत हो लास्ट सीक्वेंस बचा है हाँ लास्ट सीक्वेंस बचा है अभी ये नीलकंठेश्वर महादेव तो ये फ्रंट लुक है इसका ये देखो ऊपर चलो आओ थोड़ा नजदीक से चलते हैं आओ चलो नजदीक से देखना पड़ेगा तब समझ आएगा नजदीक यहाँ नींबू पानी का नंबर आता है अरे कहीं नहीं मनाता है क्या कल का नहीं जा रहा कल के पैर ऐसे दुख रहे पैर दुख रहे पैर दुख रहे मेरे भी यहाँ पे डांस कैसे करेंगे शुभम भैया डांस गुड क्वेश्चन क्या करना है यहाँ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मतलब वो अगर यहाँ का व्यू लेते भी अपन तो डांस कैसे करेंगे इतनी सी जगह में और डांसर्स भी है सब है ऐसा हाँ। पर वो इतना ग्रैंड नहीं लग रहा है ना लोकेशन हाँ इतना नहीं लग रहा है वो चलो फिर छोड़ो मतलब वो जो दोनों अपन ने लोकेशन ली है ना तो उसके आगे फिर ये पीछे पड़ जाएगी ठीक है पर गद्दा साहब पर ड्रोन नहीं उड़ेगा वहां ड्रोन नहीं उड़ेगा भाई ध्यान से मुझे बहुत डर लगता है आ जाओ ना अरे यहां अरे मुझे बहुत डर लगता है आप तो पीछे ही रहना बाप रे अरे क्या डरना उसमें इसमें एक काम कर सकते हैं अपन यहाँ पे बताओ कौन सा नहीं दिख रहा है मुझे वाह ओ टपरी ऐसे मुझे भी चलाना सिखा दो यार भैया ड्रोन क्या पायल मेरे को ही नहीं आता अभी तो अरे यार कैसी बात कर रहा चलो दूसरी लोकेशन पे इस पे तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर मजा नहीं आ रहा क्या करा न्यू ये दिल्ली गेट चला वो दिल्ली गेट भी कर सकते हैं नो डाउट क्यों दिल्ली गेट चले गए एक बार हां दिल्ली गेट क्या पता मैं तो पहली बार ही आई हूं ऐसा बोल रहा हूं हां ये देखिए ये एक आर्च के साथ एसी आएगी और दो आर्च के साथ अपन थोड़ा बैक जाएंगे ये ड्रोन के साथ बहुत अच्छी लगेगी देखिए वो मैं लूंगा इसको दोस्तों हमको ये लोकेशन जम चुकी है लेकिन फिर भी हम एक ऑप्शन देख रहे हैं एक ऑप्शन इसलिए देख रहे हैं कि डांस करने की दिक्कत है यहाँ पर चलो ये नेक्स्ट लोकेशन है ये यहाँ पर आ जाएगा पसंद शायद ऐसा लग रहा है मुझे वो इसको देख कर वहाँ पे ये कर से यहाँ कर सकते हैं अच्छा लग रहा है हाँ। मैंने बोला ना ये जम जाएगी मुझे टेस्ट पता है क्या करना आ गया ये देखो पिंड वाला लुक हाँ ये आ जाएगा मजा देखो ये फ्रेम हाँ कितना बढ़िया लगेगा ठीक है डन ठीक है और ड्रोन का फिर उधर लाइट जाके करेंगे ठीक तो दोस्तों अब होगा मेरा मेकअप लोकेशन फाइनल हो गई है ठीक है कैसा मेकअप करते हैं पहले आउटफिट डिसाइड कर ले क्या आउटफिट के बाद आउटफिट तो डिसाइड है ऑलरेडी ये रहा पिंक कलर का
येस्ट देखो जैसी बात मत करा करो जब मैं सीन ले रहा था ये टीवी दिखा दी मैंने टीवी दिखा दी ये इधर कपड़े तुम भैया एक्ट कर रहा तब तुमको ही शूट करना है क्या तुमको ही तो करना है अरे वो तो मैं कर लूंगा अपने में कोई दिक्कत नहीं सब आता अपने को मुझे भी गिम्बल सीखना है सबसे पहले गिम्बल सीखने से पहले आपको गिम्बल के बारे में पता होना चाहिए पायलो गिम्बल भी सीखना है ड्रोन भी सीखना है खाना खा लिया हां कैसा था बहुत टेस्टी था पराठे बाय गॉड क्या बताऊं मैंने सिर्फ पूछा कैसा था इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं मुझे जलाने के लिए क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया है हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है अभी बाकी सब आराम से पेट भर के हम इसलिए तारीफ कर रहे हैं यार मीत अब हम क्या कर रहे हैं मुँह देखे तुम्हारा खा के आए हो तुम दोनों और भूख लगी है ऐसे अभी मेकअप कर ले हम लोग देखो पहले मेकअप होगा ठीक है तो उसके बाद हम शूट करेंगे पार्टी साइड ही रखना चाय पीने साइड रखना पार्टी हां चाय चाय वाला अच्छा मजे ना क्या मजा लगता भाई चाय तो पीना भाई साहब के इस साइड करते हैं मेरे ने कैसे पता होगा यार इनमें भी नहीं है ना क्या लेके आयो गाइस हैव सम पराठा वाह ये वही पराठा है क्या अभी जिसकी चर्चा हो रही थी हां रिलैक्स पॉइंट का पराठा है रिलैक्स पॉइंट हां आलू का पराठा चलो आलू का पराठा खा लेते खाना है कुकी अब बाद में खाएंगे खा क्या रहे क्या प्रिया दी पहले खाओ तुम खाते जाओ जब तक है तो दोस्तों दीदी ने हमसे एक झूठ बोला था कि जब तक हमारा शूट चलता है हम कुछ नहीं खाते हैं और ये देखो क्यों हो गया अब हमें ना ऐसे बैठ के खाने का टाइम नहीं है ना तो ऐसे ही खाना पड़ेगा आप क्या कर सकते हैं देखो गाइस यहीं बुलवा लिया इन्होंने अभी कुछ देर पहले बोल रही थी बोले कि हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं हम लोग शूट के बाद ही खाएंगे देख लो और दीदी ना दीदी से ज्यादा ना वो वाली दीदी काम कर रही है वो काम कर ही रही है वो उन्हें खाया नहीं कुछ भी नहीं आया ना वही तो दीदी काश दीदी इतना डेडिकेशन इनके अंदर होता देखो ना खा रही है वैसे पाजी वहाँ जो मजा था खाने का बैठ के क्या वो मजा अलग था ना हाँ वही वही खैर ठीक है आराम से क्या ही बताना इनके मम्मी का हाँ एक और गाइस एक और बात बताती हूँ जो ये सॉन्ग शूट कर रहे हैं हम इसमें अभी स्टोरी का कैरेक्टर बाकी है लो तो वो होगा उदयपुर में शूट अभी 15 तारीख बाद मतलब देखो ये जो भैया है इनके इनका रोल है मेरे बड़े भाई का रोल है इनका सॉन्ग में गुड डॉग है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे लग रहे हैं वाह भैया अरे बेटा साइड में लगा ये हम भी इसे देख सकते काफी मस्त मस्त एकदम चकाचक फाइनल आप मुंबई आ सकते हो भाई का रोल मिल सकता है मुझे बिल्कुल बिल्कुल अब मैं भी रोल कर सकता हूं ये अभी भी रावण जैसी पोज दे रहे हैं बिल्कुल अरे यार अभी जल्दी तैयार हो जा यार हाँ यार आ रही हो मेरे को दो मिनट आधा घंटा तो उनका काम चल रहा है उनका काम चल रहा है अरे क्या लगता तुमको चलना नहीं चलना मांडो में लेना है अभी क्या बोस मैंने बोला था मेरे पे मानता था उसको मानने पगले तुमको जमेगी क्या तुम्हारे देखो संग्राम महासंग्राम तुम महासंग्राम बनाने आया हूँ तो और जिसमें हीरो मैं हूँ ये दोनों मेरे को आर्टिस्ट और ये मेरा कैमरामैन और ये मेकअप आर्टिस्ट फिर इनको तैयार करूंगा फिर इन दोनों को इसको बोलते देखो गाइस काफ़ी ज़्यादा लड़ाई के बाद फिर फाइनली भैया जो है मेकअप का व्लॉग बना रहे हैं दीदी का अभी इनकी फालतू लड़ाई हो चुकी है इसी टॉपिक को लेके मत बनाओ यार मैं तुमको क्या बोल रही हूं कि मैंने क्यों कर क्यों मेहनत कर रहे हो मेरे को एडिट करना है मेरे को प्रोजेक्ट भी समझ आएगा बॉस हमारे पास वी हैव लॉट्स ऑफ फोटोग्राफर्स क्या कहेंगे आपको बजट नहीं खत्म इसको तो मान लो ऑफर कर दो
पहले कुछ कर तो सही, पहुंच रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो दोस्तों बारिश आ गई है। मेरा जैसे ही मेकअप डन हुआ वैसे ही बारिश आ गई। भी करते यार, तू इतना क्यों मिला रही है? तो वो हीरो नहीं है। वो उसकी स्किन तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेती है। बोरोप्लस से लगा कर हर लवली कुछ भी लगा दो उसको सेट रहता है वो यार। तो फाइनली दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं और लास्ट हमारा डांस का शूट है। ठीक है, एक लास्ट स्टेप जो है हम साथ में करने वाले हैं, आप देखिएगा जरूर। और बारिश किसी का यार आ रहा है, तीन बार हो चुकी है बारिश और हम लोग बारिश रुकने का वेट कर रहे थे। बारिश रुक चुकी है फिर भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, अब देखते हैं कि कैसा क्या आता है। चले चले, अब देखो धूप आ गई। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अब धूप आ गई, पर ज़्यादा तेज भी धूप नहीं आना चाहिए यार। आजकल मैं चलती हूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मोटी हो गई वैसा। एक बार रिहर्सल करते हैं लेकिन फिर शूट करेंगे। ये छोटी सी जिंदगी से जहाँ पे नॉर्मल भाग यार तू एक बार आ गया, न्यूज़ पेपर में तेरा फोटो आ गया। कितना ऊपर, कितना घेरी खाई है, बाप रे। क्या आ रहा है? ए,
देखो मछली कितनी है उसमें। चलो जाके फिर बोल रहे क्या करना है, सुनो सुन, वो वहाँ जाके बोल रहे आप क्या करना है यार। क्या बोले कि अभी 10-15 मंजिला की बिल्डिंग के ऊपर सबसे ऊपर गैलरी में बैठ के तेरे हाथ जोड़ो तू जरा पीछे पीछे पीछे, मुझे बहुत डर लगता है। उसको बुला लो यार, मैं मारूंगा, बोल दो उसको। तू जो पायल का ड्रेस उसे दिखाएंगे अभी, तू तू पायल ऐसे आएगी तो सुन, इसका कैमरा ऐसा रहेगा तो तेरा फेस ऐसा हो पाएगा। अभी तू यहाँ बैठ, फिर इधर का कौन तू होगा, लेकिन अभी यही लेंगे हम। देखो इधर घूम पायल, इधर घूम, इधर घूम, इधर घूम, फिर इधर घूम, फिर इधर घूम, इधर करूँ? हाँ कर कर कर, उसके पास पीछे 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 जा, शोल्डर पे जा, उसके ऐसे उसकी चेस्ट पे जा, सो जा चेस्ट पे जा, हाँ जा, बोला हाथ पूरा अभी फैला उधर, जो कि नहीं है तो पूमा पहन दे, ले उधर दे। अब हमको करना क्या है, पैर ऐसे करना है या मुझे पैर ऐसे करना है? लॉक लॉक कर लेना, क्या दिक्कत है? ये भैया क्या दिख रहा है रे, कहीं कपड़े सही है? बोलते भी जा इसमें क्या, बेचारा गरीब मेकिंग ले लेती हूँ, डाल दे डाल देगा। चलो चलो चलो, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, चलो थ्री। हाँ आके बन स्माइल, क्या गोब में करना कुछ नहीं, तो लेटे तू ले ले, सुबह नीचे आ फटाफट, क्लोज लेना है। टू वन एक्शन, ठीक है ले ले यार फटाफट, खा जाएगा उनको। दोस्तों वापस से बारिश हो चुकी है, वापस से बारिश हो करना ही है, पाजी बनना है तो फिर बस अभी थोड़ा सा बाकी फिर हो जाएगा। अरे यार बारिश का क्या करें, का कुछ नहीं कर सकते, बारिश अपना कुछ बहुत कुछ कर सकती है, पर बारिश का कुछ भी मत करो यार, कितना साथ दिया बारिश ने, पूरा शूट हो गया उसके बाद बारिश आई तो फिर मैं बहुत ज्यादा वो रहा दर्द हो रहा है यार, मालूम है यार कसम से, थोड़ी देर वापस बंद जाएगी, देर पहन के रखो, पहन के रखना पड़ेगा उसको थोड़ी देर, वरना वापस वापस टाइम वेस्ट होगा ना उसको पहनाने में। कान में निकाल लो बाहर, हां कान निकाल लो, कान निकाल कर जैसा बंद है। तो मौसम बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो गया है, क्या करें भैया? कुछ नहीं, एक टी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर मौसम ठीक होने का इंतजार करेंगे। वैसे भी हमारे आर्टिस्ट सब थक चुके हैं, आराम से इनका कोई काम नहीं है, ये अब रेस्ट कर सकते हैं आराम से, कार में जाके सो जाओ, काम को तीन कार है, आप लोग भी तीन हो तो पीछे पीछे सीट पे जाकर सो जाओ। अरे हाँ एक कार पर गई, शायद मेरी एनर्जी कुछ हद तक और बची होती, ये सब एनर्जी खींच लेते हैं। अरे मौसम तो देखो, बाप रे बाप रे, ये अच्छी है, अच्छी चीज हुई कि अपना मतलब जो मेन मेन जो शूट था वो हो गया। मौसम कैसे, कितना प्यारा प्यारी हवा चल रही है ना, अरे प्यारी तो हवा चल रही है, पर अभी हमारा शूट बाकी है, वेदर का देख ही नहीं रहा है कुछ भी, क्या शूट करेंगे वैसे। अब इतना ज्यादा कोहरा हुआ है कि हम लोग कार भी ड्राइव नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे यार, 11-12 बज सकती है, दही समोसे ये मेरे पास देखो, जिसको कुछ नहीं खाना है उसको एक प्लेट दे दो, जो कुछ बोले ना कुछ भी ले आओ तो इसको उसको ही देता था। ले लो भाजी भाजी लो, नहीं मीठा पसंद नहीं मुझे। गाइस इसको क्या बोलते, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन है तो क्या खाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर आ गए हैं, जिसकी जांच मैंने कर ली थी पहले ही, मैं आ गई थी, देखी देखी पहले ही मैंने कर ली थी। ये देखो इसको क्या बोलते हैं, इंडिया गेट, इंडिया दिल्ली गेट, अच्छा दिल्ली गेट, दिल्ली गेट बोलते हैं, और इसको हाथी दरवाजा बोलते हैं, दिल्ली वाले ने यहाँ बनवाया। वाह वाह, उधर देखो, उधर देखो, 7 करोड़, अरे उधर देखो, इतनी हाइटेड है, इसकी सीधी खाई है, और लोग यहाँ से बाइक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो तो छोड़ना है उसको, नहीं वो तो घूमने आए थे, इससे बात करते हो तुम भी सही में। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं कितने ऊँचे ऊँचे शॉट्स लेने पड़ते हैं, और दीदी बहुत रिस्क के साथ वहाँ पर, एक और वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और
और फाइनली ये शूट यहाँ पर हो रहा है ड्रोन से। बहुत बढ़िया चलते रहो प्रभु का नाम लेके। वन मोर टेक एक सेम शॉट है और सेम एक्सपोजर देखो ना भी कहीं ग्रेडिंग करना दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरे को देखो फिर से हाँ ओके थ्री वेट 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 पायल ये फेस पे हेयर आ रहे इस साइड थोड़ी अभी को बैठने दे। टू वन एक दूसरे को देखो वेट 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 वो स्लो मोशन में मत देखना स्लो में कर लूंगा। यस रेडी ओ उधर देख यस वन टू थ्री स्टार्ट। काफी मेहनत लग रही है शॉट में दीदी बिल्कुल बहुत मुश्किल तरीके से वहाँ बहुत बहुत रिस्क है कॉज यहाँ से जो लोकेशन है ना वो काफ़ी नीचे बहुत बड़ी खाई है और एक ड्रोन शॉट लेने वाले हम लोग अभी ड्रोन रेडी है हमारा और दीदी अकेली रहेगी वहाँ पर भैया भी रहेंगे अभी भैया भी लेकिन थोड़ा दूर रहेंगे और यहाँ पे इनको गोल घूमना है मीन्स टू मच रिस्क कोई नहीं है बहुत गहरी खाई है वहाँ पर और ये दिख रहा हो कितना पूरा प्लेट एरिया यहाँ पे बहुत रिस्क है यहाँ पे ज्यादा जमीन भी नहीं है यहाँ पे बहुत कम एरिया है खड़े होने के लिए बहुत कम सरफेस है और बहुत रिस्क के साथ कर रहे हैं भाई ये ड्रोन रेडी है हेलो और ऊपर देख ऊपर अपना ड्रोन रेडी। अब ये फाइनली ड्रोन जाएगा वहाँ पर जहाँ पर ये बहुत रिस्की सीन होने वाला है जहाँ पर कि ऐसे गोल 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 घूमेगी वहाँ पर ज़्यादा एरिया भी नहीं है होने के लिए देखो आसमान में देखो तारों में देखो फाइनली दोस्तों हमारा शूट हो चुका है डन और हम लोगों ने स्टे किया था होटल शिवानी रिसोर्ट में। अगर आप भी मांडव आते हो तो आप इस रिसोर्ट में होटल में ज़रूर स्टे कीजिएगा यहाँ की सर्विसिंग खाना और सब कुछ बहुत ही अच्छा है। ये देखो ऐसा व्यू आपको सिर्फ MP में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों ये देखो ये व्यू भी दिखेगा MP में आपको। ग्यारह खुला ग्यारह है कि नहीं तीन दूनी छह और एक सात है। अरे बेचारी बहन को क्यों नुकसान कर सिर्फ आधा फुटता उसके पास आटी है बेटा तो ये दे दो एक काम डंडी वाला हाथ नींबू नमक मिर्च लगा ले वो भी नहीं नहीं अरे यार बोटिंग होती है पूर्वज ने बनवाया था क्या नहीं बनवाया इंदौर तक गाड़ी चला लोगे वो भी खाना खाने रुकी हुई ना अभी बीच में तब तक पूरी चला सो लो ऐसा बोल रहा हूँ उसके बाद तुम चला लोगे ना गाड़ी तो मैं चला लूंगा गाड़ी का थोड़ी मैं सो लेती हूँ थोड़ी देर सोना जरूरी यार फोन रख दूर सो जा।
तो फाइनली हम लोग इंदौर तक आ चुके हैं, इंदौर पहुंच गए भाई साहब हम, पर गाड़ी भी चेंज हो गई है। एक्चुअली क्या हुआ कि जो स्कोडा कार थी वो रोहित भैया के पास थी और जो हेरियर थी उसमें मैं बैठी थी अभी और हम लोग सब, तो अभी उन सबको ड्रॉप करने गया है जो हमारे साथ उस कार में बैठे थे, और इस कार में जो एक भैयू छोटा सा था मेरे साथ में, उसको मैंने अभी ड्रॉप किया है बहुत दूर 20 किलोमीटर की दूरी पर अब मैं कार में कोई भी नहीं है, अब अकेली हूँ मैं, और अब मैं जा रही हूँ मेरे घर। और जो ये सॉन्ग आया है अभी पांचाल के एक फ्रेंड ने जो कि ग्वालियर से है, उनका नाम अतुल है, और बहुत ही प्यारा गाना गाया है उन्होंने, और जो पंजाब से मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो वो गाना ज़रूर सुनना। हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की है इस व्लॉग में, आप देख सकते हैं कि फिर भी हमारा एक दो शॉट था वो छूट गया क्योंकि बारिश हो गई। अब वो हम लोग उदयपुर में शूट करेंगे, उदयपुर में भी हमारा शूट होने वाला है, और वो शूट है टोटल दो से तीन दिन का शूट है, तो इसी तरह हमको 5 बजे उठना पड़ेगा वापस से, और 2 बजे सोना पड़ेगा और 5 बजे उठना पड़ेगा, और टाइम से कुछ खाना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ टाइम से ये सारे मेंबर्स को खाना खिलवाती हूँ मैं, भले खुद भूखी रह जाऊँगी लेकिन सबको खाना खिलाऊँगी, क्योंकि यार हम तो क्या, हमको तो आदत से हो गई है भूखा रहने की, हम लोग भूखे ही शूट कर लेते हैं और हम तो धूप में भी शूट कर लेते हैं, जैसा जैसा माहौल रहता है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है शुभम भैया ने, प्रहलाद भैया ने, प्रिया दीदी ने, रोहित भैया ने, गौरव भैया ने, नवीन भैया ने, मतलब सबने बहुत सपोर्ट किया है, और मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरे साथ इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, मतलब बहुत लकी हूँ मैं, वरना ऐसे लोग हर किसी को नहीं मिलते हैं, इतने प्यारे लोग, इतने सपोर्टिव लोग हर किसी को नहीं मिलते हैं। तो अगर आपकी भी लाइफ में कोई सपोर्टिव पीपल है तो आप उनको मतलब कि जान छिड़क दो उनके ऊपर, क्योंकि ऐसे प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग हर किसी को नहीं मिलते हैं, और अगर आपके पास है तो उनकी कदर करो। और अब देखते हैं उदयपुर में शूट होने वाला है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी, तो अब जो नेक्स्ट शॉट्स है सारे सॉन्ग्स के हम लोग शूट करने वाले हैं उनको वहाँ पर उदयपुर में करने वाले हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि एक्साइटिंग है ये वाला सॉन्ग, वैसे तो बहुत सारे सॉन्ग कर चुके हैं हम लोग, ये वाला सॉन्ग एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि मुझे खुद को लगा कि मैंने इस बार कुछ अलग किया है, मतलब कि हर बार स्टोरीज होती है, इस बार हम लोगों ने गाना ऐड किया, सॉरी डांस ऐड किया है इस पर, तो मतलब कि देखना ज़रूर आप, और प्लीज़ शेयर भी करना, क्योंकि एक गाना बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, 15 से 20 दिन पहले डिस्कशन करते हैं, फिर सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, उसके बाद हम लोग इसको शूट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एडिट करवाते हैं, फिर उसके बाद में इसको लॉन्च करते हैं एडिटिंग के बाद, और इसको प्रमोट करते हैं, मतलब कि कम से कम 2.5 महीने की प्रोसेस है ये पूरी, तो देखना ज़रूर। इस शॉट में मुझे बहुत डर लग रहा था, ये शॉट देखो यहाँ से क्या प्रॉपर बनाए, इस शॉट में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊँगी चक्कर खा के, पैसे खरीद पायल ने बादलों के भी पैसे दिए कि आज का मेरा वेदर मेरे हिसाब से रहेगा, मेरा मौसम, मेरा शूट, फोटोस ही देखना ना, नाइस फोटोस तो हम ला, ये आया ना शॉट, क्यों भैया शॉट तो बहुत तगड़ा आया भाई। तो फाइनली दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रहा होगा। और अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की है इसमें, और ये सॉन्ग आ चुका है, जल्दी जल्दी जाओ पायल पांचाल सॉन्ग वाले चैनल पर और जाकर देखो, और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। बाय बाय।